नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। आज दोपहर 1:55 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:41 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और करवा चौथ व्रत भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 3:09 से कल सुबह 5:58 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 अक्टूबर की सुबह 5:12 से सुबह 6 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 14 अक्टूबर की सुबह 9:31 से दोपहर बाद 3:35 तक, और एक बार फिर शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अक्टूबर की सुबह 7 से सुबह 10:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 9:27 से सुबह 10:31 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:45 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अक्टूबर की सुबह 6:51 से सुबह 7:11 तक, और एक बार फिर सुबह 9:31 से दोपहर 1:53 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:39 से कल सुबह 6:51 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अक्टूबर की दोपहर 2:26 से दोपहर बाद 3:35 तक, और एक बार फिर शाम 5:03 से रात 9:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 14 अक्टूबर की रात 9:17 से रात 9:59 तक, और एक बार फिर रात 12:09 से अगली सुबह 5:23 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 17 अक्टूबर की दोपहर पहले 11:14 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:34 से दोपहर बाद 3:01 तक। मुंबई दोपहर 1:53 से दोपहर बाद 3:21 तक। चंडीगढ़
दोपहर 1:35 से दोपहर बाद 3:01 तक, लखनऊ 2:19 से दोपहर 2:46 तक, भोपाल 2:34 से दोपहर बाद 3:01 तक, कोलकाता 2:12:50 से दोपहर 2:18 तक, अहमदाबाद 2:53 से दोपहर बाद 3:21 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज 2:24 से दोपहर 2:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, किसी शुभ समाचार के मिलने का योग बन रहा है। आज पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में आप सफल रहेंगे। मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, बेहतर होगा आज दुश्मनों से सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन रचनात्मक कार्यों की तरफ रहेगा। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा दिन है, वे परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस सफलता को सिर पर न चढ़ने दें और इससे प्रेरणा लेकर ज़्यादा कड़ी मेहनत के लिए कमर कसें। गायत्री मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको कहीं से सुखद समाचार मिलने की संभावना है। साथ ही किसी जरूरी कार्य में संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। शाम को घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। तिल के लड्डू बनाकर बहते जल में प्रवाहित करने से आपके कार्य सफल होंगे। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसलिए इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। साथ ही आप अपनी पुरानी परेशानियों को भूलकर परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। भैरव जी को प्रसाद चढ़ाने से जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे अचानक धन लाभ के नए योग नज़र आ रहे हैं। आज आप में कुछ नए बदलाव होंगे जो आपके फेवर में रहेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। परिवार वालों के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, जहां आपको डिस्काउंट भी मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। आज सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिलेंगे, जिसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। कठिन परिस्थितियों में आज कोई ना कोई मदद करने के लिए जरूर तैयार रहेगा। इस राशि के मैथ्स के स्टूडेंट्स को आज अपने सीनियर से काफ़ी मदद मिलेगी। सुबह योग करने से पहले ताजी हवा में सैर करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आपके मन में कुछ नए आइडिया आते रहेंगे, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। साथ ही आप कुछ नया भी करने की कोशिश करेंगे। नए काम को शुरू करने को लेकर
आप बहुत ही उत्सुक रहेंगे। सोसाइटी में किसी मुद्दे पर आज अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिसका प्रभाव कुछ लोगों पर साफ दिखेगा। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहेगा, किसी फ्रेंड की मदद से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के प्रोफेसर्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपका ट्रांसफ़र किसी पॉपुलर कॉलेज में होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही आज परिवार वालों के साथ बाहर हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए नियमित योग करें, फ़ायदा जरूर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खास रहेगा। आज आप पूरा दिन जज्बातों से घिरे रहने के कारण तनाव महसूस करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले ज़्यादा आनंद देगी। साथ ही दोस्तों की मदद से सारी परेशानियों का हल निकल आएगा। बिजनेस मीटिंग में सफलता हासिल होने के साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी से डील फिक्स भी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। इस राशि के जो लोग गाने के शौकीन हैं, आज का दिन बेहतरीन है। किसी शो में गाने का ऑफर आ सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा। फालतू का झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, इससे आपका समय बचेगा और व्यवहार अच्छा बनेगा। दुर्गा माँ के आगे घी का दीपक जलाने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की ज़रूरत है। अगर आज किसी ज़रूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं, तो वो आज समय से पहले पूरा कर लेंगे, लेकिन आपको पहले से योजना बनाकर चलने की ज़रूरत है। किसी नई ज़मीन से संबंधित कोई लेन देन करने जा रहे हैं, तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाने से सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हाथों में थोड़ा तेल लगाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, करियर में आगे बढ़ने के मौके की तलाश कर रहे छात्रों को आज वो मौका हासिल हो जाएगा। मूलांक 2, एनिमेशन डिजाइनर्स को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मूलांक 3, धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ तीर्थ यात्रा का प्लान बनाएंगे। मूलांक 4, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जॉब के लिए दिए इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मूलांक 5, कई वर्षों की कठिन मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 6, रुके कार्यों को पूरा करने पर फोकस करें, आज आपके सभी काम बनेंगे। मूलांक 7, बच्चे आज आपसे घूमने की जिद कर सकते हैं, उनकी मनचाही जगह उन्हें घुमाने ले जाएंगे। मूलांक 8, दोस्तों के साथ मिलकर अपने कॉलेज वर्क को पूरा करेंगे, प्रोजेक्ट में एक दूसरे की मदद मिलेगी। मूलांक 9, लेखकों की कोई किताब लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, आपकी मेहनत की तारीफ होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी दक्षिण पूर्व दिशा में शौचालय के बारे में, और आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में शौचालय की संभावना है, तो इसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच शिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक दक्षिण दिशा में शौचालय का निर्माण कराने से यश और कीर्ति की हानि होती है। मझली बेटी को अपयश का सामना करना पड़ता है, जीवन की ऊष्मा गुम हो जाती है, और आपकी आंखें लगातार परेशान करती रहती है। आंखों में कोई ना कोई विकार बना ही रहता है, और हर सुबह 9 से 11 बजे के बीच मुसीबत भरे संदेश आते हैं। हर साल गर्मी के मौसम में सरकारी विभागों से नोटिसें मिलती हैं और व्यर्थ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर किसी मजबूरी के चलते दक्षिण दिशा में आपका टॉयलेट है, तो उसके प्रभावों को कम करने के लिए टॉयलेट के दरवाजे पर तांबे की पत्ती जड़वाने से कुछ राहत हो जाएगी। कल हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम में शौचालय के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात,
आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। आज दोपहर 1:55 तक सिद्धि योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज शाम 6:41 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से कृतिका तीसरा नक्षत्र है। कृतिका का अर्थ होता है, कृतिका का संदर्भ कार्य करने से लिया गया है। इसका पहला चरण मेष राशि में और बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं, अतः मेष और वृष दोनों राशियों से कृतिका का संबंध रहता है। कृतिका नक्षत्र के स्वामी श्री सूर्यदेव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, तो जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी सिद्धि योग और कृतिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और करवा चौथ व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और आप सभी जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। बस फर्क केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो इसलिए आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। अतः आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाले। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको बता दूं कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है और आज दिल्ली में चंद्रोदय 8:03 के पर होगा। आपको बता दूं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर पारण किया जाता है। आपको हमने बताया दिल्ली में चंद्रोदय 8:03 पर है, लेकिन क्षितिज काल के कारण वो 15-20 मिनट बाद दिखाई देता है। तो करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ या करक चतुर्थी के बारे में निर्णय सिंधु के पृष्ठ 196, व्रतराज के पृष्ठ 172, स्मृति कौस्तुभ के पृष्ठ 367 और पुरुषार्थ चिंतामणि के पृष्ठ 95 पर अच्छे से वर्णन मिलता है। आज शिवजी, गणेश जी और स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है और चंद्रोदय होने के कारण चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अतः आज करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है, तो आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिव जी, माता गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बने गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेट कर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बड़ा महत्व है, चीनी मिट्टी। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू
तीन अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पुए भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी माँ के सामने घर का घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। तो ये थी आज करवा चौथ की पूजा के बारे में विशेष चर्चा। और अब चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। आज के दिन एक कोरा कागज़ लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखें। अब उस कागज़ के साथ ही 5 कौड़ियाँ और 5 साबुत हल्दी एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें, उसे अपनी अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने प्रेम में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको प्रेमवर्धक यंत्र का ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन सबसे पहले भोजपत्र पर केसर की स्याही से प्रेमवर्धक यंत्र बनाना चाहिए। प्रेमवर्धक यंत्र की फ़ोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। एक बार फिर से बता दूं कि एक भोजपत्र लेकर उस पर केसर की स्याही से 9 बराबर खाने बनाइए। 3 कॉलम में 9 खाने और क्रम से पहले कॉलम में 21, 26 और 2 लिखें, फिर दूसरे में 28, 24 और 27 लिखें, तीसरे में 23, 22 और 10 लिखें। इस प्रकार आपको यंत्र बनाना है। लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र आदि न हो तो आप सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन से भी यंत्र बना सकते हैं। इस प्रकार यंत्र बनाने के बाद उस भोजपत्र या कागज़ को रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में जला दें। ऐसा आपको 7 बार करना है। यानी पहले एक यंत्र बनाना है, फिर रुई में लपेटकर चमेली के तेल वाले दीपक में जला देना है, फिर वही दूसरी बार क्रिया करनी है। इस तरह आपको 7 बार करना है। आज ये उपाय करने से पार्टनर के साथ आपके प्यार में खूब बढ़ोतरी होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता की को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफ़ेद मोती की माला पहनाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही देवी माँ के मंदिर में श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पति आकर्षण यंत्र बनाकर उसे ताबीज़ में भरकर अपने पलंग के नीचे बांधना चाहिए। आज इस यंत्र के प्रभाव से आपको आपके पतिदेव आपकी ओर आकृष्ट रहेंगे और आपका जीवन सुख से भरा रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिव जी और माता गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं, साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति
मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव, गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपा कर रख दें। आज के दिन ये उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सिद्धियोग, कृतिका नक्षत्र, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और करवा चौथ के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्तों आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज घर पर किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कराएंगे जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। बी, आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, आप हर मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। सी, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, रिश्ते में नयापन आएगा। डी, आज बच्चों के लिए दिन अच्छा होगा, आपको माता से पूरा सहयोग मिलेगा। ई, आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा, आप भी लोगों दूसरों के विश्वास को बनाए रखेंगे। एफ, बिजनेस में आपकी तरक्की तय है, अच्छा मुनाफा होगा। जी, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। एच, आज किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से समस्याओं का समाधान निकलेगा। आई, सिविल इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी। जे, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी करेंगे। के, कोर्ट कचहरी के मामले में देर हो सकती है, सही रणनीति के साथ काम करने पर ही सफलता मिलेगी। एल, शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस होगी, आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एम, अपने घर में फ्लावर डेकोरेशन करवा सकते हैं, ये आपके लिए नयापन लाएगा। एन, आज सबसे अच्छे से बात करें, आपके सब काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। ओ, जो लोग लेखन से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। पी, आज किस्मत आपके साथ रहेगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। क्यू, जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं उन्हें आज तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। आर, जो लोग खेल में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। एस, किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाएंगे, वहाँ पर कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। टी, दोस्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, साथ में कहीं घूमने जाएंगे। यू, आज आपका मन अध्यात्म के प्रति ज़्यादा रहेगा, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। वी, फिल्म या अभिनय से जुड़े लोगों को आज कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। डब्ल्यू, ऑफिस में सहयोगी आपकी पूरी मदद करेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। एक्स, बिल्डर्स को किसी प्रॉपर्टी से मुनाफा होने के योग है, आपके साथ कोई नया पार्टनर जुड़ेगा। वाई, आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। जेड, नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अपनी अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहां स्थापित है गणेश जी का एक पुरातन मंदिर। इस मंदिर को पंचमुखी गणेश मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर बेंगलुरु के हनुमंत नगर में स्थापित है, जहां पंचमुखी गणेश की मूर्ति 30 फुट ऊंचे गोपुरम पर विराजमान है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां भगवान गणेश को उनके वाहन चूहे के साथ नहीं बल्कि शेर के साथ पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में गणेश जी की काले रंग की 6 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। माना जाता है यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से मन स्वच्छ हो जाता है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की।
सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने मंगल पर्वत के बारे में बात शुरू की थी और उसी क्रम में आज हम सबसे पहले पूर्ण रूप से विकसित मंगल पर्वत के बारे में बात करेंगे। जिसका मंगल पर्वत पूरी तरह से विकसित होता है उन लोगों का व्यक्तित्व तो अत्यंत प्रभावशाली होता है, उनकी हर बात का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। लेकिन ये लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, जिसका खामियाजा इन्हें ही भुगतना पड़ता है। विकसित मंगल पर्वत वाले लोग अक्सर आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी या सशस्त्र बल के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे लोग अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमी इनका आवेग और खुद में आत्मनियंत्रण की कमी है। इन जातकों के लिए एक ही सलाह है कि इन्हें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए, वो इनके लिए बेहतर होगा। और कल हम चर्चा करेंगे अतिविकसित और अविकसित मंगल पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कल का पूरा दिन पार करके पूरी रात पार करके अगली भोर 4:52 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:08 तक रहेगी। आज दोपहर 1:55 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:41 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और करवा चौथ व्रत भी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है और चांद देखकर पारण किया जाता है। आपको हमने बताया दिल्ली में चंद्रोदय 8:03 पर है, लेकिन क्षितिज काल के कारण वो 15-20 मिनट बाद दिखाई देता है। तो करवा चौथ के इस व्रत को करक चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज शिव जी, गणेश जी और स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा की जाती है और चंद्रोदय होने के कारण चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और अब मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठह ठह एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।